इस राज्यों में 6400 जातियां साथ में रखते हैं हम सवा अरब मिलकर एक स्वर में जनगण मन को गाते हैं हम उत्तर से दक्षिण तक अमर तिरंगे को फहराते हैं हम रेत समंदर पर्वत झरने नदियां हैं कालिंदी हैं जन जन से राष्ट्र संघ तक गूंज रही वो पावन हिंदी है हम इस धरती का कोई नूर सतरंगी चूनर धानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी अरविंद घोष की वाणी है हम तुलसी का दिग्दर्शन है अब्दुल कलाम की दृष्टि है ऐश्वर्या का आकर्षण है हम करुणा मदर टेरेसा की इंदिरा गांधी की शक्ति है लक्ष्मी बाई का साहस है मीरा बाई की भक्ति है हम रामदेव से योगी है धोनी सी धूम मचाते हैं सनसनी सानिया मिर्जा की तेंदुलकर बनकर छाते हैं हमसे ही सुनीता विलियम है जो अंतरिक्ष से आई है बॉबी जिंदल ने अमरीका जा करके धूम मचाई है सबके अधरों को चूम रही जो वो काना की वंशी है सारी दुनिया को जीत रहे हैं हम वो भारत वंशी है हम टाटा बिरला की पूंजी लक्ष्मी मित्तल अंबानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हम राम कृष्ण और महावीर नानक की पूजा करते हैं शिरडी वाले साईं बाबा हम सबकी झोली भरते हैं हम सिद्धि विनायक तिरुपति संकट मोचन भोग लगाते हैं हम पीर अली ख्वाजा बाबा में भी लोबान जलाते हैं हम रामचरित मानस भारत में 24 घंटे गाते हैं काशी मथुरा वैष्णो देवी से अमरनाथ तक जाते हैं हमको गुरुद्वारा दिख जाए तो मत्था कुछ दिख जाता है गिरजाघर की घंटी का स्वर मन प्राणों को महकाता है हम शांति कुंज हम शक्ति कुंज हम शांति निकेतन वाले हैं हम भारत के सारे धर्मों के पंथों के रखवाले हैं हम आर्य पुत्र माँ के सुपुत्र संगम तीर्थ का पानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हमारा मस्तक है सागर ने चरण पखारे हैं आस्था हमारी मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारे हैं हम गणपति का वंदन करके हर काम सफल कर देते हैं हम काट अंगूठा गुरुदेव के चरणों में कर देते हैं हम शब्द ब्रह्म वाले सर्वे भवन्तु सुखिना को गाते हैं सरवन कुमार बन मात पिता की कांवड़ लेकर जाते हैं हम सत्य अहिंसा से मानवता को महकाने वाले हैं हम त्याग तपस्या से धरती को स्वर्ग बनाने वाले हैं रुद्राक्ष गाय गंगा गीता गायत्री पूजा करते हैं कदमों में अंबर रखते हैं चुल्लू में सागर भरते हैं हम योगी त्यागी वेद पुराणों के ज्ञानी विज्ञानी हैं दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं हम कबीरा की साकी जैसे खुसरो की अमर रुबाई है हम मीरो गालिब की गजलें रस खान चंद वरदाई है हम सूरदास तुलसी मीरा हम दिनकर पंत निराला है भूषण केशव मतिराम जायसी बच्चन की मधुशाला है पद प्रेम चंद गोदान लिखा माधव का गीता ज्ञान लिखा बन राम चरित मानस हमने मानवता का वरदान लिखा जब वक्त बड़ा अनुबंध बने मैं के मन से मकरंद बने हम विद्यापति की पदावली रस अलंकार और छंद बने ओशो जन्म में टैगोर बने भक्ति रस का आनंद बने एकात्म जगा अध्यात्म जगा कर हमी भी बने कलयुग के तीरथ है साधु संत Thank you.
बैठ सकते हैं, वो सुविधाजनक हो टाइम है 26 हो रहा 27 हो गया पहली बार इतनी कम संख्या में लोग सभी जगह पे है। अभी 2 मिनट बाकी है तो आप लोग खड़े क्यों बैठ सकते आपके चक्कर में कोई नहीं बैठेगा जब तक आप यार ओपन की बात चाहे तो नीचे जब तक आप बोलना शुरू नहीं करें कोई बैठेगा नहीं हम की बात आप नीचे चले जाए ज्यादा नहीं बोलूंगा 15 मिनट लाइक नो तो सामने से इशारा कर सकेंगे आप लोग किस समय हो लोग कम नहीं है सामने अध्यक्ष को सलाम देंगे राष्ट्रीय सलूट सलूट Thank you.
स्वतंत्र भारत में लोकशाही के लोकतंत्र के स्थापना के पावन पर्व गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में आयोजित यह गणतंत्र विविध दृष्टियों से ऐतिहासिक है। भारत की आजादी का 75वां वर्ष हीरक वर्ष अमृत वर्ष इस दृष्टि से तो इसका महत्व है ही। कोरोना की तीसरी लहर के बीच ये देश जिस उत्साह से गणतंत्र का पर्व पूरे भारत में मना रहा है वह भारत के नागरिकों की लोकतंत्र लोकशाही लोकसत्ता गणतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जो आस्था है उसका प्रतिफलन है। हमारे लिए इस विश्वविद्यालय परिवार के लिए यह गणतंत्र का यह दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी वर्ष से विश्वविद्यालय भी अपनी रजत जयंती मना रहा है। आजादी के अमृत वर्ष में और भारतीय गणतंत्र के सफलतापूर्वक 70 वर्ष पूरे होने के बाद भारत के प्रति दुनिया की अपेक्षाएं बढ़ी हैं, भारत के प्रति दुनिया का विश्वास बढ़ा है। सिर्फ भारतीय युवाओं को आज दुनिया को आवश्यकता नहीं है अपितु भारतीय जीवन प्रणाली भी उन्हें चाहिए। भारत की प्राचीन से लेकर के आधुनिकतम ज्ञान परंपरा भी उनको चाहिए। आज दुनिया को भारत से सभी प्रकार के मदद की आवश्यकता है। यह इसलिए संभव हो सका कि आजादी के बाद भारत के जन ने भारत के गणतांत्रिक नेतृत्व ने संपूर्णतः भारत गणराज्य ने उपलब्धियों और विकास की अनेक श्रृंखलाएं स्थापित की हैं। यद्यपि अनादि भारतीय इतिहास का विचार करते हैं तो गणतांत्रिक पद्धति हमारी प्राचीनतम और सर्वोत्कृष्ट पद्धति रही है। जिन दिनों में दुनिया में लोकतंत्र की बात लोकशाही की बात जन के बीच से राष्ट्र और राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा इस प्रकार की कल्पनाएं कठिन लग रही थी, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में भी राजतांत्रिक लोकतंत्र होगा या गणतांत्रिक लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा किस रूप में निर्धारित की जाएगी इस पर राजनीति विज्ञानियों की जब बहस जारी थी उसमें भारत के गणतंत्र का इतिहास सामने रखते हुए काशी प्रसाद जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी में जिस भारतीय गणतांत्रिक पद्धति का विचार किया था मैं उसकी याद इस अवसर पर आपको दिलाना चाहूंगा। लोकतंत्र और गणतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है लेकिन मतभेद चर्चा के द्वारा बहस के द्वारा युक्ति के द्वारा प्रतियुक्ति के द्वारा अंततः एक परिणति पर पहुंचे एक निर्णय पर पहुंचे और चर्चा बहस युक्ति प्रतियुक्ति के द्वारा जो निर्धारित निर्णय है वह हम सबका है इसको मान करके क्रियान्वयन के लिए संकल्पित होने वाला समाज जिस
राष्ट्र में, जिस राज्य में होता है, वही वास्तविक गणतांत्रिक जीवन जीता है। और ये बात काशी प्रसाद जायसवाल को बुद्ध वचनों से प्राप्त हुई थी। शास्ता बुद्ध ने संघ के लिए जो व्यवस्थाएं निर्मित की थी, उसमें संघ के नियम व्यवस्थाएं यह सर्वानुमति से बने, और तब तक चर्चा चलती रहे जब तक समूचा संघ एक निर्णय पर नहीं पहुंच जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था दुनिया में गणतांत्रिक व्यवस्था का आदर्श है। भारत का गणराज्य 26 जनवरी 1952 को जिस रूप में प्रकट होता है, वह एक तरीका है। जिस रूप में स्थापित होता है वह एक तरीका है, लेकिन इस गणतांत्रिक व्यवस्था का वैशिष्ट हमको हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें संसद सर्वोच्च है, और जो गणराज्य का गणाधिपति है, भारत का राष्ट्रपति, वह सभी संबद्ध संसद का हिस्सा है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यह मिलकर के भारतीय संसद की निर्मिति करते हैं। इस व्यवस्था की कल्पना दुनिया में पहली बार भारत ने उजागर की थी। इसके पूर्व जो गणतांत्रिक पद्धतियां निर्मित हुई थी, वह गणतांत्रिक पद्धतियां गणाधिपति, राष्ट्राधिपति, राज्याधिपति और लोकतांत्रिक संस्थाओं में समानांतरता की थी। सब मिलकर के समवेत दिशा में चल सकते हैं, इसकी कल्पना भारतीय गणतंत्र का वैशिष्ट्य है। वो प्रांत होंगे, भारत के विविध प्रांतों में रहने वाला सामान्य जन होगा, भारत की संसद और भारत की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किया गया भारत का राष्ट्रपति होगा। यह सब मिलकर के अंततः एक गणराज्य की, एक भारत की निर्मिति करते हैं, और यही भारत श्रेष्ठ भारत है। इस अवधारणा को फलितार्थ करने में भारत के ढेरों विचारकों ने अपना योगदान दिया, विधिवेत्ताओं ने अपना योगदान दिया। इस अवसर पर, गणराज्य की इस अवधारणा को स्थापित करते हुए, बाबा साहब ने जिस स्वर्णिम भारत का सपना देखा था, उसका स्मरण होना चाहिए। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्य भारतीय गणतंत्र का आदर्श बनेगा। भारतीय गणतंत्र सबको सभी प्रकार की स्वतंत्रता और समानता देने की दिशा में आगे बढ़ेगा, यह एक बड़ा लक्ष्य है जिसे अभी पूरी तरह से प्राप्त किया जाना शेष है। और स्वतंत्रता और समानता के साथ बंधुत्व का अभाव, तो संपूर्ण भारत में एक प्रकार के बड़े मनोपरिवर्तन की अपेक्षा कर रहा है। इस दृष्टि से रजत जयंती वर्ष जो इस विश्वविद्यालय का है, वो महत्वपूर्ण होकर के उभरता है, क्योंकि बंधुता के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। बंधुता का विस्तार और बंधुता की अभिव्यक्ति केवल और केवल स्वभाषा में हो सकती है। पराई भाषा में परायेपन का बोध बना रहता है।
भारत का गणराज्य, भारत का की महान जनता आजादी के दिनों में देखे गए स्वप्न को आज तक संपूर्णता में यदि चरितार्थ नहीं कर सकी है तो उसके पीछे शायद पराई भाषा एक बड़ा कारण रहा है। वर्धा में स्थित इस विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है कि स्वभाषा की संकल्पना को, राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए, अपनी भाषा होनी चाहिए, स्वभाषा होनी चाहिए, इस अवधारणा को समझते हुए गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का संकल्प वर्धा में ही लिया था और यही हमारे इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मूल हेतु भी है। आज जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश में क्रियान्वयन की ओर बढ़ी है, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा हो, मातृभाषा में सभी पढ़े बढ़े और समानता, बंधुता, स्वतंत्रता के मूल्यों का विस्तार करें, बंधुता पर आधारित समता, बंधुत्व भाव से पगी हुई स्वतंत्रता, इसके निर्मिति का एकमात्र रास्ता भाषा है। आज हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक चुनौती का अवसर है। क्या भारतीय भाषाएं कला साहित्य के अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान की भाषा, अनुसंधान की भाषा, भारत की प्रगति की भाषा नहीं बन सकती हैं? इनमें क्षमता तो है। इस अवसर पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब हम अपना दीक्षांत महोत्सव कर रहे थे, रजत जयंती वर्ष महोत्सव का दीक्षांत महोत्सव कर रहे थे, भारत के एक महान कंप्यूटर वैज्ञानिक को जब इस विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि दी, भारतीय भाषाओं में उनके काम का सम्मान करते हुए उन्हें उपाधि समर्पित की, तो उन्होंने एक बात कही थी, मैं आप सबको उसकी याद दिलाना चाहूंगा, यद्यपि आप सब उसके साथ जी रहे, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र में भी हिंदी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से बेहतर सोचा जा सकता है, बेहतरी से उसको सीखा जा सकता है और बेहतर परिणाम लाए जा सकते हैं। अर्थात यह भ्रम टूटने लगा है कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से आधुनिक विज्ञान और तकनीक का शिक्षण संभव नहीं है, अपितु भारतीय भाषाओं में जो अभिव्यक्ति का और संप्रेषण की शक्ति है, जो अर्थों को एक निश्चित क्रम में और निश्चित रूप में प्रस्तुत करने की ताकत है, उस ताकत का उपयोग करते हुए दुनिया के आधुनिकतम ज्ञान विज्ञान को भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को और युवाओं को हम दे सकते हैं और भारतीय भाषाओं में काम करते हुए, पढ़ते हुए और अनुसंधान करते हुए भारत का युवा, भारत का अनुसंधाता, भारत का वैज्ञानिक दुनिया को नई संभावनाओं के अनंत वितान की ओर ले जा सकता है। विज्ञान और तकनीक के संपृक्तता के इस कालखंड में भाषा का महत्व बढ़ा है। अंततः डिजिटाइज हो रही है दुनिया, भाषा पर आकर के केंद्रित हो रही है। जो सपना 25 वर्ष पहले इस विश्वविद्यालय ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए शायद यह सही समय है, जब हम आधुनिक प्रौद्योगिकी और भाषा के बीच संतुलन और समन्वय बैठा सकते हैं, जब हम आधुनिक प्रौद्योगिकी और आधुनिक ज्ञान विज्ञान के विस्तार और अग्रगामिता के लिए भाषा के पहिए का सदुपयोग कर सकते हैं और जब हम दुनिया को आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने के लिए भारतीय भाषाओं को सक्षम बना सकते हैं, और इसमें स्वाभाविक है हिंदी को अग्रगामी भूमिका निभानी है। भारत की राजभाषा और भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली, पढ़ी जाने वाली भाषा होने के नाते
यह सभी भारतीय भाषाओं में अग्रणी भाषा तो है ही। अंततः गांधी के शब्दों में भारतीय भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा भी है, और इन शब्दों को साकार करने की जिम्मेदारी इस विश्वविद्यालय की बनती है। इसलिए एक चुनौती का वर्ष तो हमारे सामने है। विगत लगभग दो वर्ष कोरोना के कारण से स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से विश्वविद्यालय को चलना चाहिए था, जिस रूप में यहां अध्ययन अध्यापन अनुसंधान के कार्य होने चाहिए थे, स्वाभाविक रूप से वैसे नहीं हुए। लेकिन इस गणतंत्र के अवसर पर मैं कह सकता हूं, आप सबके परिश्रम के कारण से, आप सबके अध्यवसाय के कारण से, आप सबके लगन के कारण से, दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय से यह विश्वविद्यालय फिर भी कुछ बेहतर करता रहा है, बेहतर परिणाम आते रहे हैं। पर अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है, चुनौती बाकी है। कोरोना की चुनौती समाप्त हो जाती है तो भी इस विश्वविद्यालय की चुनौती समाप्त नहीं होती है। इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक हमारी चुनौतियां बाकी हैं। 21वीं शताब्दी के लगभग 1/4 हिस्से के बीच जाने के बाद इस शताब्दी की चुनौतियां सबको दिखाई दे रही हैं। इन चुनौतियों का मुकाबला कौन करेगा? हमें एक ऐसी पीढ़ी की निर्मिति जरूर करनी है जो स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनाएगी, पूरी ताकत से मनाएगी, और स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष जब वह मनाएगी तो पीढ़ी गर्व से कह सकी, हम ऐसे भारत के नागरिक हैं जो विश्व का प्रथम क्रमांक का राष्ट्र है। 75 वर्षों में इस देश ने अपने अध्यवसाय के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, इस देश के सामान्य जन ने अपनी निष्ठा के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा, अपने सर्वोच्च समर्पण के द्वारा जो विकास अर्जित किया है वह गर्व करने के लायक है। लेकिन आजादी का जो सपना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उस सपने तक पहुंचा जाना अभी शेष है। अभी भी आजाद भारत के अंदर कुछ हिस्से हैं जो परायेपन के बोध से हम सबको दुखी करते हैं। उसमें परकियों की भाषा भी एक महत्वपूर्ण कारण। ये अलग बात है कि इन 75 वर्षों में ये देश परकियों की भाषा की श्रेष्ठता के बोध से बाहर निकल गया है। भारतीय भाषाओं ने वह ताकत अर्जित की है कि दुनिया को भारतीय भाषाओं को सीखने की आवश्यकता है। हमारी हिंदी चीन भी सीख रहा, अमेरिका भी सीख रहा, इंग्लैंड भी सीख रहा। पर इस देश के अंदर इस भाषा का उपयोग जिस रूप में होना चाहिए था उतना भी होना बाकी है। और भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, पूरी संस्कृति की निर्मिति करती है, पूरी सभ्यता की निर्मिति करती है। भारत की श्रेष्ठ सभ्यता, भारत की श्रेष्ठ संस्कृति भारत की भाषा में, भारत की जबान में ही अभिव्यक्त हो सकती है, अभिव्यंजित हो सकती है, प्रकाशित हो सकती है और दूसरों को प्रभावित भी कर सकती है। इसलिए भाषा के मोर्चे पर हम लोगों को जिस रूप में तैनात किया गया है, हमारी जिम्मेदारी सीमा पर लड़ रहे सैनिक से कम नहीं है। उन्हें भारत की सीमाओं की रक्षा करनी है, हमें भारत की संस्कृति की रक्षा करनी है।
उन्हें भारत की संपत्ति की, भारत की अस्मिता की रक्षा करनी है तो हमें भारत की सभ्यता की रक्षा करनी है। संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण एक दीर्घकालिक और अहर्निश प्रयत्न के द्वारा ही होता है और यह एक तप है। इस तप में निरत यह विश्वविद्यालय इस वर्ष अपने रजत जयंती महोत्सव के वर्ष में निश्चित रूप से उन सारे सपनों को पूरा करेगा जो 1935 में गांधी ने राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित करते हुए वर्धा में देखा था। उस सपने को भी पूरा करेगा जब 1949 में भारत की राजभाषा हिंदी घोषित करते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने देखा था। उस सपने को भी पूरा करेगा जब पूरी दुनिया के हिंदी अध्येताओं ने 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में इस विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प पारित करते हुए देखा था और उस सपने को भी पूरा करेगा जो भारत की संसद ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना के अधिनियम को पारित करते हुए देखा था। और उन सपनों को भी पूरा करेगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माताओं ने भारत में भारतीय भाषाओं मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, सबको भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ने का अवसर प्राप्त हो, इसका स्वप्न और संकल्प देखा है। जब हम यहां गणतंत्र मना रहे हैं तो गर्व से कह सकते हैं कि आज IITs में भी भारतीय भाषाओं में के माध्यम से पढ़ाई प्रारंभ हो गई है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में डॉक्टर और इंजीनियर कोई भी बच्चा भारत की हिंदी सहित भारत की भाषाओं में पढ़ करके बन सकता है और वह जब पढ़ने और बनने के अवसर सुलभ हो जाएंगे सहजता से तो निश्चित रूप से जो सपना गुलाम भारत में भारत की आजादी का संघर्ष करते हुए अमर हुतात्माओं ने देखा था, भारत के मनीषियों विचारकों ने देखा था, हमारे आदर्श महापुरुषों ने देखा था, वह साकार होगा। भारत जिसकी कल्पना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 10 हाथों में आयुध लिए हुए भारत माँ की है, वह भारत माँ सभी प्रकार के आयुधों से संपन्न भारत माँ होगी। वह आयुध संहार के नहीं निर्माण के आयुध होंगे, वह आयुध विकास के आयुध होंगे, सबकी मुक्ति के, सबको स्वतंत्रता देने के, सब में समता का भाव भरने के और सबके बीच एक विशिष्ट प्रकार के भारतीय होने की, विशिष्ट भारत में रहने की बोध के साथ बंधुता के होंगे। इस बंधुता के भाव की निर्मिति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जैसी भारतीय भाषाओं में काम करने के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान की संभावनाओं की तलाश में लगे हुए विश्वविद्यालयों की सफलता पर निर्भर करता है। और हमने 2 वर्षों में कोरोना के कठिन कालखंड में भी अपनी भूमिका का सार्थक निर्वहन करने का यत्न किया है, आने वाले दिनों में भी करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबका एक महायुद्ध जो भारत ने छेड़ा है, प्रथम क्रमांक का राष्ट्र बनने का, श्रेष्ठ भारत बनने का, विश्व गुरु बनने का, भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से दुनिया में आ रहे 21वीं शताब्दी के अस्तित्वात्मक चुनौतियों का मुकाबला करने का, उसमें हम अपनी भी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस अनुरोध के साथ, इस आह्वान के साथ मैं आप सबको पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय भारत, जय हिंद। हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगा कर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण पुराण।